नमस्कार दोस्तों, संवाद मिथिला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हैं हम मिथिला की एक और पॉजिटिव खबर लेकर। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दरभंगा रेल बाईपास परियोजना की अपडेटेड जानकारी देंगे। न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन का कार्य कितनी प्रगति पर है और कितना समय लगेगा इसमें। दूसरी बात ये कि इस रूट के बनने से क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह की नई नई चीज़ें इस रूट में जुड़ रही हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे। और इसके लिए हम आपको सीधे लेकर आए हैं दरभंगा रेल बाईपास परियोजना के पास, जहां दरभंगा न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन बन रहा है और ये रेल लाइन प्रगति पर है। तो दोस्तों, हमारा आपसे आग्रह होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके पहले भी कई वीडियो बनाकर हम आपको इसकी अपडेटेड स्थिति को दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन का 3 मंजिला भवन बनकर करीब करीब तैयार हो चुका है और अब यहाँ नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन से काकरघाटी रेलवे स्टेशन की दूरी 7.6 किलोमीटर होगी और इसी पर ये रेल लाइन बनेगी। इसकी कुल लागत 253.23 करोड़ रुपए आएगी और ये कुल 20.06 एकड़ ज़मीन में बन रही है। इसके बनने के कई फायदे हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ है कि रामायण सर्किट का काम पूरा हो चुका है, जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। कहने का मतलब ये कि अब जो ट्रेनें अयोध्या से चलेंगी वे सीधे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन गए बिना सकरी मधुबनी और भारत के आखिरी रेलवे स्टेशन जयनगर तक पहुंच जाएंगी और वहां से जनकपुर तक की ट्रेनें चलती हैं। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि ये जो रेल बाईपास बन रहा है, इसके बनने से भारत के पूर्वोत्तर हिस्से की दूरी राजधानी नई दिल्ली से काफ़ी कम हो जाएगी। करीब करीब 5 घंटे की यात्रा कम हो जाएगी अगर आप गुवाहाटी या डिब्रूगढ़ से यात्रा करते हैं नई दिल्ली के लिए। तो इस रूट से राजधानी तेजस और दुरंतो जैसी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की जो मांग वर्षों पुरानी मिथिलांचल के लोगों की है वो भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा इस रूट से सीतामढ़ी नरकटियागंज होते हुए जो एक बड़ी आबादी है उसको प्रीमियम ट्रेनों की सुविधा मिल जाएगी। तो कई सारे फायदे इस रेल बाईपास के बनने से होंगे और अब इसका काम जोर पकड़ चुका है। आने वाले कुछ समय में इसका काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इस रेल रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी और इसके साथ ही मिथिलांचल की तरक्की की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिथिला की ऐसी ही पॉजिटिव खबरें देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें।